हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सो काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो क्या मैं CGL का एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, या मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे इसकी तैयारी करूँ। सो देखो, एक ये मिथ है, कई बच्चों को लगता है कि हिंदी मीडियम से ज़्यादा हमेशा इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो इंग्लिश में नंबर लेके आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप हर साल देखोगे हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं और SSC CGL का एग्जाम जो है क्लियर करते हैं। इनफैक्ट मेरे ऑफिस के अंदर इतने दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं जो कि हिंदी मीडियम से थे और SSC का एग्जाम क्लियर करके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। SSC मतलब कोई ऐसी हाई फाई इंग्लिश मांगती नहीं, SSC कहती नहीं कि भाई मैं आपको बैठा के 2-3 घंटे आपसे इंग्लिश में बात करवाऊंगी। SSC का सिंपल सा फंडा है, SSC बोलती है भाई मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगी, आपको उन्हीं 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर है, आपके आंखों के सामने है वो आंसर, आपको बस टिक करना है और आगे बढ़ना है। तो इसको हम इंग्लिश नहीं कह सकते, बेसिकली बहुत ही लिमिटेड सी चीज़ें हैं। लिखा तो ऑफकोर्स वो चीज़ें इंग्लिश के अंदर ही हैं, लेकिन मतलब इसके लिए आपको कोई बहुत धुरंधर होने की जरूरत नहीं इंग्लिश के अंदर। मतलब सिंपल सी वही चीज़ें हैं जो 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। आपको टेंस करना है, ग्रामर करना है, कुछ एक रूल्स हैं वो रूल्स कर लो, मतलब 3-4 हज़ार वोकैब के वर्ड्स हैं इनका रट्टा मार लो, मतलब कोई मुश्किल बात तो है नहीं। मतलब आज आपके टाइम में आपके पास अगर दिमाग है, समय है, नियत है, ये सब कुछ है, उसके बाद 3-4 हज़ार वर्ड्स का रट्टा मारना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज आपको मुश्किल लग रहा है तो यकीन मानो मैं आपको बता दूं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो इन 3-4 हज़ार वर्ड्स का रट्टा मार के ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और इतने छोटे छोटे बच्चे आपको मिल जाएंगे, स्कूल गोइंग बच्चे, जो कि आप काफ़ी सालों के बाद देखोगे कि हाँ इन छोटे छोटे बच्चों ने भी ये जो है वर्ड्स याद कर लिए थे और मैं इनका रट्टा नहीं मार पाया या मैं इनको नहीं समझ पाया। SSC की इंग्लिश की बात करें तो इसको करने के 2 ही सबसे बढ़िया तरीके हैं। एक तो ये कि आपको सारे के सारे रूल्स जो है वो बाई हार्ट हो, आपको पता हो कि कौन सा रूल कहाँ कैसे लगेगा। दूसरा ये कि आपने इतनी इंग्लिश पढ़ रखी हो कि आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं हो, आपको ये पता हो कि भाई मैंने इतनी सही इंग्लिश पढ़ रखी है तो कहीं पे भी गलत इंग्लिश आएगी तो मैं बता दूंगा कि नहीं यहाँ पे जो है गड़बड़ है, यहाँ पे मतलब उसने कुछ गलती कर रखी है। और SSC यही तो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, 20 क्वेश्चन आ गए आपके मेंस के अंदर एरर फाइंडिंग के, तो आप बता दोगे अगर आपने बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग कर रखी है, बहुत ज्यादा मैगजीन्स पढ़ी हुई हैं, मतलब बहुत ज्यादा अगर आपने इंग्लिश आज तक पढ़ी हुई है तो आप देख के बता दोगे यहाँ पे जो है गलती है। अदरवाइज अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो फिर आप रूल्स देख लो, रूल्स कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं, मतलब गिनती के वही 10-12 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इंग्लिश के अंदर, वही आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वही सब चीजें करनी है। मतलब इंग्लिश इतनी रिपीटेड सी है ना SSC की बात करें, या फिर आप वैसे देख लो आज से 50 साल पहले भी बच्चों को यही सिखाया जाता था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, आज भी यही सिखाया जा रहा है। यही बात है मतलब टेंसेज की, टेंस मतलब है क्या यार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, बस खत्म, बस इन्हीं के 4-4 भाग और बना दिए गए हैं। तो मतलब वही लिमिटेड सी चीज़ें, बस इनको एक बार कर लो, जब आप पूरी इंग्लिश को कर लोगे ना उसके बाद आपको लगेगा यार इंग्लिश तो मतलब बड़ी आसान सी थी, मतलब लिमिटेड सी थी। वैसे तो लैंग्वेज है, कोई अंत नहीं होता, लेकिन एग्जाम के अंदर जो पूछी जाती है मतलब वो लिमिटेड होती है। मतलब मान लो जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस आ रहे हैं तो इसमें क्या एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा कर लेगा और क्या मतलब एक हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं कर पाएगा इसके अंदर। आप अगर 5-6 महीने ढंग से एक बार कहीं पे आप कोचिंग ले लो इंग्लिश के, चीज़ें बेहतर अच्छे से समझ में आ जाएंगी, अपने बढ़िया से क्लास नोट्स बनाओ, उसके बाद आपको लगेगा कि इंग्लिश मतलब लिमिटेड ही है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। SSC की बात करें तो मतलब 200 नंबर का जब आपका मेंस का पेपर आता है तो उसमें 180 तो ऐसा प्रिडिक्टेबल सा होता है, डिटो वो का वही आएगा जहाँ तक पास्ट पेपर्स में पूछा गया है। मतलब बहुत ही कम ऐसा सेक्शन होता है जो कि रिपीट ना हो, बस पैराग्राफ वगैरह कभी कभार हो सकता है, कोई टफ आ जाए, अदरवाइज जो है चीज़ें रिपीटेड ही पूछती है SSC। और जैसे मैं पहले भी बताता आया हूँ कि आपको मॉक्स लगाने बहुत जरूरी है, अभी भी अगर किसी ने मॉक्स नहीं लिए हैं तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो, यहाँ पे आप भाई कोड लगाओगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और 12 महीने का आपको पास मिल जाएगा 360 रुपीज में। आप 360 रुपए में अगले एक साल तक अनलिमिटेड जितने सारे मॉक्स दे सकते हो। इनके मॉक्स जो एक तो एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब एग्जाम्स के अंदर आज तक जो पेपर आए हैं वो पेपर भी यहाँ पे आपको जो है मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे, और इनके बाकी के मॉक्स भी जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। भाई कोड लगा के आप जो है 10% डिस्काउंट ले लेना यहाँ पे। और कोई बड़ी बात नहीं है इन लोगों की इंग्लिश, मतलब कब तक जियोगे इस बहाने के साथ कि भाई मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था इसलिए मैं अपनी इंग्लिश खराब करूंगा तो काम चल जाएगा, या इंग्लिश में मैं मेहनत नहीं करूंगा इस वजह से। मतलब कुछ सालों के बाद जब आप पलट के देखोगे या फिर अभी आज के टाइम में भी कोई आपसे पूछ लेगा कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो आप मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैं तो हिंदी मीडियम से था इसलिए मैं CGL में फेल हो गया। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा इन चीज़ों में, मतलब लोग ये पूछते हैं हुआ या नहीं हुआ, बस खत्म। मतलब आप एक्सप्लेन करोगे किसको चाहिए आपकी एक्सप्लेनेशन, अगर किसी को चाहिए भी तो उससे आपको जॉब नहीं मिलने वाली। मतलब जॉब लेनी है तो देखो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी, चाहे आज के टाइम आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, प्राइवेट जॉब में भी जाओगे आप, तब भी वहाँ पे आपसे इतनी इंग्लिश तो वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे। और यकीन मानो आप एक बार कर लोगे इसको, आपको सच में लगेगा कि यार ये इंग्लिश तो बहुत कम थी। कोई फर्क नहीं पड़ता SSC को इस चीज़ से कि भाई आप हिंदी मीडियम से हो कि नहीं हो, बस SSC बोलती है बस ये थोड़ी सी मेरी इंग्लिश है, इसका रट्टा मार के आ जाओ एग्जाम के अंदर, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक एक ऑप्शन जो है टिक करते हुए जाना है, बस इतना ही। SSC के पास्ट पेपर्स में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हो उनमें से एक बार डेफिनेटली निकल जाना। मतलब अगर कहीं से कोचिंग भी लोगे ना तो बढ़िया से क्लास नोट्स बनाना, और प्लस जैसे ग्रामर की बात करो तो नीतू सिंह मैम के जो है वॉल्यूम 1 की बुक है जो काफी अच्छी है,
वोकैब आप देखोगे मतलब काफी बुक्स मिल जाएंगे आपको वोकैब की, और हर बुक के अंदर मतलब काफी पोर्शन जो है वोकैब का कॉमन होता है। मतलब जैसे आपने एक एसपी बक्सी ले ली या फिर आपने किरण पब्लिकेशंस के पास पेपर्स की बुक ले ली, आप वहां से भी देखोगे काफी जो है आपको वोकैब जो है कॉमन मिल जाएगी। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में आपको वोकैब मिल जाएगी, न्यून क्लासेस की जो बुक है वहां पे आपको वोकैब मिल जाएगी। मतलब इन सबकी वोकैब जो है मतलब काफी अच्छी एग्जाम ओरिएंटेड है और काफी वोकैब जो है मैच हो रही है। मतलब मान लो एक बुक में 1000 वर्ड है, दूसरे बुक में 1000 वर्ड है, तो हो सकता है 250-300-400 वर्ड जो है दोनों में आपस में वैसे ही कॉमन निकल जाए। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, यकीन मानिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब आपके पास इंग्लिश नहीं थी या मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े थे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे कहते हैं सर 11th 12th में मेरे पास मैथ्स नहीं थी, उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता एसएससी को, एसएससी आपसे पूछती ही 8वीं 9वीं 10वीं वाली मैथ्स है, तो 11th 12th में चाहे मैथ्स हो चाहे बायो क्या फर्क पड़ता है। मतलब ये सब बहाने होते हैं, मतलब आपको मेहनत देखो एक बार करनी पड़ेगी। जब आप एक बार कर लोगे ना सारा सिलेबस, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ये सब कुछ तो लिमिटेड सा था। जब तक हमने नहीं की थी सिर्फ किताबें ही देखते थे, तब तक लगता है पता नहीं यार समुंदर है, खत्म होगा कि नहीं होगा, मतलब कब शुरू करूँ कब खत्म होगा। लेकिन जब आप एक बार सब चीज़ों को कर लोगे, सारी बुक्स आपने ढंग से कर ली, 2-3 बार रिवीजन कर ले, फिर आपको सब कुछ इतना हैंडी लगेगा या लगेगा सब कुछ इतना कंसाइज है। मतलब बैठे बैठे सोचते हैं हाँ मैथ्स के अंदर ये टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक के अंदर इसी टाइप के सवाल है, या फिर इंग्लिश के अंदर ये चीज़ें हैं और हर मतलब चीज़ के जो है ये ऐसे ऐसे सेक्शंस बनते हैं। चीज़ें मतलब काफ़ी आसान लगेंगी एक बार करके तो देखो। मतलब एसएससी के एस्पिरेंट्स में मतलब मेन दिक्कत ये होती है, जो बच्चे फेल होते हैं उनमें वो ढंग से एक बार सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते, और जो मतलब ले दे के थोड़ा बहुत कर लेते हैं अपने नोट्स नहीं बनाते अच्छे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, मॉक्स नहीं लगाते, रिवीजन नहीं करते, मतलब मोमेंटम तोड़ देते हैं, प्रिजर्वेंस मतलब नहीं होता उनके अंदर, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स सारे मिलके कोई अपने साथ लेके चले तो मतलब सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। हर साल यार हज़ारों बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो कोई ऐसी बात है नहीं, और वो मतलब एग्जाम जिसके अंदर 10वीं लेवल की चीज़ें आ रही हैं, तो 10वीं लेवल की चीज़ें पूछी जा रही हैं और हज़ारों बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और अगर उसमें भी अगर अपना सिलेक्शन नहीं होता है तो देखो एक क्वेश्चन मार्क है। मतलब अपन क्या इतने मतलब फद्दू हैं कि एक 10वीं लेवल का पेपर अपन नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। मतलब ये भी नहीं कि 2-4-5 वैकेंसी हो, अगर 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार 7-7 हज़ार वैकेंसी निकल रही है ऑल इंडिया, अपन 10वीं कक्षा की चीज़ों को 8-7 हज़ार वैकेंसीज में भी अगर अपना सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कहीं ना कहीं तो कमी है। ठीक है, उस कमी पे वर्क करो, आगे बढ़ो, कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेक्शन हर साल होते रहे हैं, आगे भी सिलेक्शन होते रहेंगे, आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी मेहनत करनी है आपका सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।